हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। तो आज आ गया है संडे और इस संडे हम एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम 6 to 12 मंथ के बेबीज के लिए 5 फ्रूट प्यूरीज का वीडियो लेके आए हैं। जो फ्रूट्स हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं वो है बनाना, एप्पल, पियर, मैंगो एंड पपाया। नॉर्मली हर बच्चे को ये सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मीठा मीठा इनका टेस्ट होता है और मतलब काफ़ी इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, तो बच्चे इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये सारे फ्रूट्स आप बच्चों को 6 मंथ से स्टार्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट मैंगो जो अराउंड 7-8 मंथ्स के बीच में स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। बट बाकी के जो चारों फ्रूट्स हैं वो बहुत ही मतलब इजी होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए भी, तो उनको फर्स्ट फूड कैटेगरी में माना जाता है। यानी ऐसी चीज़ें जो आप इमिडिएटली जब बच्चे का सॉलिड शुरू करते हो तब आप स्टार्ट कर सकते हो। अब ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो में हमने कुछ अलग किया है। हम आपको हर फ्रूट प्यूरी बनाने के दो तरीके दिखाएंगे। एक होगा 6 से 8 महीने के बच्चों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चा एकदम सॉलिड स्टार्ट करता है तो बिल्कुल लिक्विडी या एकदम प्यूरी फॉर्म में खाना लेना पसंद करता है, क्योंकि उसे इतने टाइम तक दूध लेने की आदत होती है। और दूसरा तरीका हम आपको दिखाएंगे 9 से 12 महीनों के बच्चों के लिए, क्योंकि तब बच्चे थोड़ा सा जो टेक्सचर होता है वो वाला फूड लेना शुरू करते हैं, मतलब थोड़ा उनके दांत वगैरह आ जाते हैं तो उनको लेने में भी ईजी होता है, प्लस उन्हें टेक्सचर फूड तब देना अच्छा होता है ताकि धीरे धीरे वो तैयार हो सके प्रॉपर फ्रूट जो है अपने आप खाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में आप कबीर को नहीं देखोगे कहीं पे भी, क्योंकि ये सारे जिस तरह से हमने बनाए हैं तो कबीर अब ऐसे नहीं खाता है। वो 16 मंथ का है तो वो प्रॉपर, उसके 10 दांत हैं तो प्रॉपर फ्रूट को लेके चबा के खा लेता है, तो आप इस वीडियो में नहीं देख पाओगे। बट कबीर को हम जनरली आपके लिए लाते ही रहते हैं तो हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तो जो 5 फ्रूट्स हम यूज़ करने वाले हैं वो है बनाना, मैंगो, एप्पल, पियर एंड पपाया, और इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे एक पोटैटो मैशर। सबसे पहले एप्पल प्यूरी बनाते हैं। तो हमने एक एप्पल लिया, एप्पल को हमने कट कर लिया। कट करने के बाद उसकी स्किन उतार दो, क्योंकि स्किन बच्चों को नहीं देना चाहिए। अब हमने एप्पल को छोटा छोटा पीसेस में काट लिया। ये करने के बाद हम अपने स्टीमर को रेडी करेंगे। स्टीमर में हमने पानी भर लिया है। पानी भरने के बाद जो स्टीमर की अपर प्लेट है उसमें हम अपने एप्पल के पीसेस को रख देंगे। हमने यहाँ 10 मिनट तक एप्पल को स्टीम किया और फिर एक फोक से चेक कर लिया कि एप्पल पीसेस सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं, क्योंकि अब वो सॉफ्ट हो चुके हैं तो मैंने अब उसे अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब बनाते हैं प्यूरी, जिसके लिए मैंने अपना हैंड ब्लेंडर ले लिया है। ये मॉर्फी रिचर्ड्स का हैंड ब्लेंडर है। मैंने अपने स्टीम्ड एप्पल को ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए कि ये प्यूरी फॉर्म में रेडी हो गया है, जो 6 से 8 महीने के बच्चों को दिया जा सकता है। अब 9 से 12 महीने के बच्चों के लिए प्यूरी बनाते हैं। तो मैंने अपने स्टीम्ड एप्पल के कुछ पीसेस बचा लिए थे, जिसको मैंने इस कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब अपने पोटैटो मैशर के थ्रू मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहाँ जो आपको दिखेगा वो थोड़ा सा टेक्स्चर्ड दिखेगा, ताकि वो बच्चा जिसके थोड़े बहुत दांत आए हुए हैं वो इस टेक्स्चर को इंजॉय कर सके। तो ये हमारी दोनों एप्पल प्यूरीज रेडी। ये 6 से 8 महीने के बच्चों के लिए है और ये दूसरा 9 से 12 महीने के बच्चों के लिए है। आप क्लियरली दोनों के टेक्सचर में फ़र्क देख सकते हैं। सेकेंड है पियर प्यूरी, जो एग्जैक्टली एप्पल प्यूरी की तरह ही बनता है, सिर्फ पियर को स्टीम होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है अगर पियर राइप ना हो। तो हमने यहाँ पे एक पियर लिया, पियर के स्किन को अच्छी तरह से पील किया, पील करने के बाद कट किया, कट करने के बाद उसके अंदर जो बीज है उसको केयरफुली निकाल दिया और फिर पियर के छोटे छोटे पीसेस कर लिए स्टीमिंग के लिए। अब ये हमारा स्टीमर रेडी है, जिसमें पानी हमने ऑलरेडी नीचे भरा हुआ है और ऊपर हमने पियर के पीसेस डाल दिए। ये पूरे प्रोसेस को लगे 15 मिनट कम्पेयर टू एप्पल, जिसको 10 मिनट लगे थे, बट अगर आपका पियर राइप है तो वो जल्दी भी हो जाता है। तो ये है मेरे स्टीम्ड पियर पीसेस, जिसको अब मैं ब्लेंड करूँगी। मैं हल्का सा बॉइल्ड पानी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल थिन पतली कंसिस्टेंसी का पियर बन सके। पानी आप एप्पल में भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरा पियर अब ब्लेंड हो चुका है, इसे कटोरी में ट्रांसफ़र करते हैं और देखते हैं कि कितनी पतली, एकदम जो बच्चों को पतली कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, उसका पियर जो है तैयार है और फ़र्क यहाँ पे पानी डालने का है। अब हम दूसरे तरीके की प्यूरी देखते हैं। तो बचे हुए स्टीम्ड पियर पीसेस को हम कटोरी में डालेंगे और अपना पोटैटो मैशर लेके इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, जिससे थोड़ा टेक्स्चर्ड फॉर्म की पियर प्यूरी जो है तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी दोनों तरीके की पियर प्यूरी तैयार है, पहला 6 से 8 महीने के लिए, दूसरा 9 से 12 महीने के लिए।
थर्ड है बनाना प्यूरी। तो सबसे पहले बनाना को पील कर लेंगे, पील करने के बाद उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि हम दो अलग अलग तरह की प्यूरीज देख सकें। पहला पार्ट में हम बनाना का पीस लेंगे एक कटोरी में और अपने पोटैटो मैशर को यूज़ करके इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। आप पोटैटो मैशर की जगह एक फोक भी यूज़ कर सकते हो। ये जो बनाना बना है ये 9 से 12 महीने का बच्चा इजीली खा सकता है। थोड़ा सा टेक्सचर्ड बनाना है ये तो उसे अच्छा लगेगा। और 6 से 8 महीने के बच्चों के लिए हम ब्लेंडर यूज़ करेंगे। तो हमने बनाना लिया, थोड़ा सा इसमें दूध डाल दिया, आप यहाँ पे फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क दोनों ही डाल सकते हो, और उसके बाद हैंड ब्लेंडर यूज़ करके एक पतली बनाना की प्यूरी तैयार कर ली। ये देखिए हमारी दोनों बनाना प्यूरीज जो है तैयार हो गई हैं, एक बिल्कुल पतली है और एक थोड़ी सी टेक्स्चर्ड है। फोर्थ है पपाया प्यूरी। तो हमने यहाँ पे एक पपाया लिया, कोशिश करो कि राइप पपाया ही लो। उसके हमने दो पीसेस निकाल लिए क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। सबसे पहले उसके जो बीज हैं उसको आप क्लियरली हटा लो और उसके बाद जो उसकी स्किन है उसको भी रिमूव कर दो। अब हम पपाया के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब अपने पपाया पीसेस को एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और पोटैटो मैशर के थ्रू इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। अगेन आप यहाँ पे फोक भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितना पका हुआ पपाया होगा उतनी आसानी से वो मैश हो जाएगा। अब दूसरी प्यूरी बनाते हैं जो 6 से 8 महीने के बच्चों के लिए है। सिंपल हमने हैंड ब्लेंडर के अंदर अपने पपाया पीसेस डाले और उसको ब्लेंड कर लिया और ये मेरा प्यूरी फॉर्म में पपाया तैयार हो गया। अगर आप इसे और पतला करना चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। ये देखिए हमारे दोनों तरीके के पपाया प्यूरी तैयार हैं, पहला 6 से 8 महीने के लिए और ये वाला 9 से 12 महीने के लिए थोड़ा टेक्स्चर्ड। लास्ट है मेरी फेवरेट यानी कि मैंगो प्यूरी। मैंगो सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, कोशिश करो कि हमेशा पका हुआ मैंगो ही लो। इनफैक्ट कोई भी फ्रूट जो है वो पका हुआ ही लो, नहीं तो बच्चों को पचाने में मुश्किल होता है। हमने मैंगो को यहाँ पे छील लिया है और उसके दो पीसेस कर लिए हैं, स्किन को हमने उतार दिया है। ये खाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो पहला तरीका ये है कि हम एक पोटैटो मैशर लेंगे और अपने मैंगो पीसेस को मैश कर लेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि हम उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और बच्चे को ऐसे ही दे देंगे जो 9 से 12 महीने का बच्चा इजीली खा पाएगा। तो ये देखिए हमारी दोनों मैंगो प्यूरीज रेडी हैं। पहला बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है जो 7 से 9 महीने के बच्चों के लिए अच्छा है, और दूसरा 10 से 12 महीने के बच्चों के लिए इजीली वो निगल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 6 to 12 मंथ के बच्चों का भी कोई वीडियो करो, और हम थोड़ा सा मतलब लेजी हो गए थे क्योंकि अब हमारा बेबी 16 मंथ का हो गया है इसलिए हम कर नहीं पा रहे थे। बट अब हम थोड़े बहुत वीडियोस आपके 6 to 12 मंथ के एज ग्रुप के लिए भी डेफिनेटली लेके आएंगे। एक और चीज़ आपको ये बताना है कि बहुत लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि ट्रैवल फूड के ऊपर वीडियो बनाओ। अभी हमने काफ़ी वीडियोज़ डाले थे अपनी, जो हमने रिसेंट वेकेशंस लिए हैं उसके, जिम कॉबिट के, पनगोट के, वो सारे आप देख सकते हो। तो उसमें हमसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बच्चे के साथ जब ट्रैवल किया जाए तो क्या खाना लेके जाएं, वहाँ जाके कैसे खाने की प्लानिंग करें। तो इस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले हफ्ते में इस पे वीडियोस आ रहे हैं, और उस वीडियोस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए, एक है 6 to 12 मंथ के बच्चों के लिए, और एक है 12+ मंथ्स के बच्चों के लिए जिसमें हमारा बेबी अभी फॉल करता है। तो हमने तीनों ही जो पार्ट्स हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे किए हैं। आप चाहो तो तीनों देख सकते हो, नहीं तो अपने बेबी के एज ग्रुप के हिसाब से आप जो पार्ट आपको ठीक लगे वो देख सकते हो। अब आपसे अगले हफ्ते बात करेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली कॉमेंट।